उन सबों पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता पवित्र सूची, उनके जीवनों में बदलाव आए मेरे परमेश्वर, जिनके पाप क्षमा हो और अनंत जीवन को पाए मेरे पवित्र मसीह जी। आपको जो एकमात्र उद्धारकर्ता है, सच्चा उद्धारकर्ता को जान जाए पहचान जाए और हरेक जीव अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और हरेक घुटना आपका भी झुक जाए मेरे परमेश्वर पिता पवित्र जी। इस महामारी में लोगों पर दया करें मेरे परमेश्वर जी, अपने लोगों पर दया करें, चर्च के लोगों पर दया करें, पूरी दुनिया पर दया करें परमेश्वर जी। किसी भी तरह की कोई भी हानि ना हो मेरे परमेश्वर पिता, सब लोगों को बचा कर रखें, सब लोगों की रक्षा करें मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर जी सारी बातें आपके हाथों में हम सौंपते हैं, सारी चिंताएं सारी परेशानियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आप हम सबों को शांति दें, आशीष दें, पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, ये हमारी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता जो भी हम इस आराधना को करने जा रहे हैं, इस आराधना को ग्रहण करें, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता, परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
को धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी लोग से मेरे शिक्षा लाला बस आपका धन्यवाद करते परमेश्वर जी आपने हमें जीवन में आपका धन्यवाद करते हैं आपने हमें अरे प्राणों की रक्षा के उसमें आपका धन्यवाद करते हैं आज इस रात्रा में आप मौजूद रहे उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं आप हमारे बीच में उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पुत्र आत्मा का अभिषेकों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं रब रसि सिखाना भो आपकी पुत्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में उठने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर परमेश्वर जी अब जब हम आपके पवित्र वचन को देखें आपके पवित्र वचन पर हम आशीष चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हो लोग जो भी इस वचन को सुने वो सब लोग आशीषित हो ब्लेस्ड हो मेरे परमेश्वर पिता मेरी ये प्रार्थना है स्वर्ग के पिता पर यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया 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 So, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं जबकि पूरे संसार में महामारी है और अब लॉकडाउन खुलने लगे हैं अनलॉक होने लगा है वर्ल्ड दुनिया और हमारा देश भी इस समय दौरान कई प्रकार के नुकसान हुए हैं लोगों के लेकिन जो आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला वो वचन में आपको बताना चाह रहा हूं कि आप रेड़ के पेड़ के लिए दुखी ना हो आप रेड़ के पेड़ के लिए दुखी ना हो मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर का वचन ये है कि आप रेड़ के पेड़ के लिए दुखी ना हो खास करके मसीही लोग रेड़ के पेड़ के लिए दुखी ना हो इसको पूरा अच्छे से देखने के लिए हम लोग पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक 4:6 से हम लोग पढ़ेंगे तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो जिसके उसका दुख दूर हो योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ सवेरे जब पो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है परमेश्वर ने योना से कहा तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है योना ने कहा हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता तब यहोवा परमेश्वर ने कहा जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया ना उसको बढ़ाया जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ परमेश्वर के लोगों जो मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में जो बात आपसे करना चाहता हूं परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप रेड़ के पेड़ के लिए दुखी ना हो योना के ऊपर जब परमेश्वर ने छाया के लिए उस पेड़ को दिया तब वो बहुत आनंदित हुआ बहुत लिखा है बहुत आनंदित हुआ लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर को सिखाना चाहते थे जैसे ही परमेश्वर ने उसको हटाया सुखा दिया तो वो बहुत क्रोधित हुआ आज मसीह लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं ज्यादातर कुछ मिल जाए तो हालेलुया प्रभु का धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो जैसे योना के ऊपर रेड़ के पेड़ ने छाया कर दी तो प्रभु का धन्यवाद वाओ आनंदित हुआ लेकिन जैसे पेड़ सूख गया तो वो कहता हो परमेश्वर ये तूने क्या कर दिया इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं मुझे मृत्यु भेज दे दे मेरे प्राण निकल जाए मेरी जान ही निकल जाए इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं आज जो मैं आज से ये कहना चाहता हूं कुछ मिल जाए तो लोग कहते हैं हालेलुया
प्रभु की स्तुति हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, प्रभु यीशु का धन्यवाद। अगर 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 कुछ नहीं मिला तो कहेंगे मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, और बुड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। जहां ऐसा कहूं या अपने मन के मुताबिक काम हो गया तो हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। अगर अपने मन के इच्छा के अनुसार काम नहीं किया परमेश्वर ने, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार काम किया, तो फिर बुड़बड़ाना कुड़कुड़ाना, प्रभु जी इच्छा से तो मैं मरी जाऊं, मेरी जान ही निकल जाए, मुझे क्या फायदा है, क्या फायदा मानने का हुआ, नरक में जाना मुझे तो अच्छा है, ये वो और वो। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर दुनिया को कुछ सिखाना चाहते हैं, दुनिया को कुछ सुधारना चाहते हैं। आप लोग इस बात के लिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने पेड़ उगाया और परमेश्वर ने सुखा दिया तो क्या है, यानी कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, तुम्हारा क्या गया? बहुत से लोग चिंतित हैं, परेशानी में हैं, हाय मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ये मेरी हानि हो गई। परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने लिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक एक अध्याय, अय्यूब की पुस्तक एक अध्याय उसका 21 और 22 वचन, अय्यूब की पुस्तक एक अध्याय उसका 21 और 22 वचन, अय्यूब कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने दिया और यहोवा परमेश्वर ने ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए ही है कि हम समझे इस बात को। अय्यूब ये कहता है, मैं जब पैदा हुआ तो नंगा पैदा हुआ था, जब मैं जाऊंगा तो भी नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही लिया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया। और 22 में लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब ने परमेश्वर पर मूर्खता से दोष नहीं लगाया, तूने ये क्या कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ये रिंडी का पेड़, जो रेंड का पेड़ है पंजाबी में रिंडी कहते हैं, रेंड के पेड़ को क्यों सुखा दिया, तूने ये क्यों कर दिया, इस चेष्ट में मारी जाऊं। अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, मैं नंगे आया था और नंगे चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। उसने अपने मुंह से कोई भी मूर्खता से परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया कि ये तूने क्या कर दिया। फिर जब हम पढ़ते हैं दो अध्याय, अय्यूब दो अध्याय उसका 9 और 10 वचन में, तब उसकी स्त्री यानी कि अय्यूब की पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। एक पत्नी अपने पति से कहती है, मर जाए तो मर जा, मर जाए तो मर जा, लेकिन परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर की निंदा कर, मर जाए तो मर जा चाहे। जब अय्यूब के ऊपर समस्या आई, जब अय्यूब के ऊपर बीमारी आई, तब वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है अय्यूब, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, क्या तू अभी भी खराई में बना हुआ है, क्या तू अभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्या तू अभी भी परमेश्वर की स्तुति करता है, क्या तू अभी भी यही कह रहा है कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अरे ऐसा करना, कहना छोड़ और परमेश्वर की निंदा कर कि परमेश्वर तूने यो नहीं किया, तूने परमेश्वर ये क्या कर दिया, तूने परमेश्वर वो क्या कर दिया, परमेश्वर तूने ये क्यों कर दिया, हमारा तो नुकसान हो गया इस महामारी में। निंदा कर, मरता है तो मर जाए, जान तेरी चले जाए तो जाए, मर जाए तो तू मर जा चाहे, लेकिन परमेश्वर की निंदा कर। 10 वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, तू एक, पंजाबी में लिखा चल्ली,
तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अजूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अजूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। साफ लिखा है अपने मुंह से पाप करने का मतलब यह है कि वो उसने अपने मुंह से ये नहीं कहा परमेश्वर तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा नहीं करना था, तूने रेंड का जो पेड़ था क्यों सुखा दिया, ओ ऐसे ऐसे मेरी जान ले ला, मैं मरना अच्छा है, तूने ये नहीं किया, वो क्यों कर दिया। उसने कहा नहीं, जो परमेश्वर ने किया वो अच्छा ही किया है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और अपने मुंह से उसने कोई भी बुराई नहीं की। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय और उसका 10 वचन में, तो वहां लिखा है 42 अध्याय 10 वचन, परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया जितना उसके पास पहले था, जितना उसके पास पहले था, जितना उसके पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर उसे दे दिया। हालेलुया। कितना दे दिया? कितना? दुगना। परमेश्वर ने उसे दुगना दे दिया। हालेलुया। अगर वो ये कहता परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया, ओ इससे अच्छा मैं मर ही जाता, ये रेंड का पेड़ तूने क्यों सिखा दिया, परमेश्वर कहते तूने लगाया था क्या पेड़ ये? मैंने लगाया था और मैंने सुखा दिया। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। मैंने लगाया था पेड़, मैंने सुखा दिया, तूने कुछ किया ही नहीं इसके लिए, क्यों ऐसा क्रोधित हो रहा है? वो कहता हाँ हाँ मैं क्रोधित हो रहा हूं, मेरा गुस्सा होना सही है और गुस्से में मरना भी सही है। ऐसी बातें वो कर रहा है योना, पक्का मसीही, ऐसा कहूं तो पक्का मसीही, ठीक है। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, जैसे आया था मैं वैसे खाली हाथ लौट जाऊंगा, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालांकि उसकी अपने उसकी पत्नी उसको यह कह रही, बहका रही थी कि परमेश्वर की निंदा कर, अपने मुंह से बोल परमेश्वर तूने अच्छा नहीं किया, तू अच्छा नहीं है, उसने नहीं किया। और आखिर में लिखा हुआ आखिरी अध्याय में कि जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। आप रेड़ के पेड़ के कारण दुखी ना हो, ना तो आपने लगाया ना आपने उसे बढ़ाया। अब सूख गया है, परमेश्वर ने लगाया था, परमेश्वर ने सुखा दिया, कोई बात नहीं, आप अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद ही करें। हालेलुया। आप परमेश्वर की स्तुति ही करें, परमेश्वर ने आपके प्राण तो बचा लिए। अगर रेंड का पेड़ परमेश्वर लगा रहने देता, ठीक है, रेंड के पेड़ को परमेश्वर नहीं सुखाते और उसके प्राणों को सुखा देते, योना के प्राणों को सुखा देते, फिर क्या करता, रेंड का पेड़ अकेला रह जाता, फिर रेंड का पेड़ उसे बचा लेता। उसे रेंड का पेड़ उसे नहीं बचा सकता था योना को। अगर परमेश्वर योना के प्राण ले लेते, अगर योना की जान ले लेते, वो कहता था मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, परमेश्वर कहता ठीक है इधर कर, मैं तेरी जान ही ले लेता हूं। अगर परमेश्वर योना की जान ले लेता तो रेंड का पेड़ क्या करता, वहां पर नहीं बचा सकता था। रेंड का पेड़ वो आपकी धन और आपकी संपत्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर इस लॉकडाउन में, अगर इन दिनों में वो आपकी आपकी सुखी है, सूख गई है आपकी धन संपत्ति, आपकी हानि हो गई है और आपके बिजनेस की हानि हुई है, थोड़ा सा रेंड का पेड़ जो है बिजनेस आपका वो सूख गया है, शादी रुक गई है, आपका वीजा लग रहा था और वो फैल बीच में अटक गई है, आप विदेश जाने वाले थे और बीच में काम रुक गया है, आपकी नौकरी चली गई, आपका पैसा आना रुक गया है इस महामारी के कारण, तो एकदम आप कहते हो इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। अगर आपकी जॉब बनी रहती, आपका बिजनेस भी बना रहता, आप चाहे आपके पास करोड़ों रुपया भी हो, लेकिन अगर आपके प्राण सूख जाएं, तो फिर क्या करेंगे, वो आपको बचा नहीं सकते। हालेलुया। वो आपको बचा नहीं सकते। मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, मत्ती दी
मत्ती की अंजील 16:26 वचन, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, पूरी दुनिया का पेट्रोल पंप उसके हो गए, पूरी दुनिया के शोरूम उसके हो गए, पूरी दुनिया के सोने और चांदी के खदाने उसकी हो गई, पूरी दुनिया का वो मालिक बन गया, पूरी दुनिया की जमीन और जायदाद उसकी बन गई, वो बहुत अमीर हो गया, लेकिन अगर उसके प्राण निकले तो वो क्या देगा उसके बदले में, क्या देगा। बिन्ने परमेश्वर जी ये पेट्रोल पंप रख लो, आप मेरे प्राण बचा लो। आज जो स्थितियां हैं दुनिया की ऐसी ही हैं, आज जो हालात हैं दुनिया के ऐसी ही हैं, लोग अपने प्राणों के बदले में लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन देने के लिए तैयार हैं कि उनके प्राण बच जाएं। दुनिया में बहुत सा पैसा है, वो अमीर लोग भी जिनकी जान निकल रही है इस महामारी में, उनका पैसा, उनकी जॉब, उनका बिजनेस, उनके प्राण नहीं बचा पा रहा। विदेशों में देखें, इटली में देखें, अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में देखें, क्या हाल है दुनिया के। सो परमेश्वर के लोगों, कोई भी अगर सारा जगत भी आप प्राप्त कर लें, पर यीशु कहते हैं प्राण की हानि हो तो प्राण के बदले में आप क्या दोगे। ये सब पूरा जगत ले लो लेकिन मेरे प्राण बच जाएं, ऐसा नहीं। एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इन दिनों में लॉकडाउन के कारण कुछ परेशानियां हुई हैं, कुछ नौकरियां गई हैं, कुछ दिक्कतें आई हैं, धन संपत्ति में परेशानी आई है, यानी कि वो रिंडी का पेड़, रिंड का पेड़ जो परमेश्वर ने उगाया था और परमेश्वर ने सुखा दिया, परमेश्वर को सिखाना चाहते थे, कुछ समझाना चाहते थे, कोई शिक्षा देना चाहते थे, कुछ सुधारना चाहते थे योना को, इस कारण से उस पर यह विपत्ति आई। उस कारण ही, योना को सुधारने के कारण ही परमेश्वर ने पेड़ उगाया था और सुधारने के कारण ही परमेश्वर ने पेड़ सुखा दिया था। अगर ये हालात ऐसे बने हैं कि परमेश्वर के खासकर मसीह लोग, परमेश्वर के लोग सुधरे, उनमें सुधार हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें सारी बातों के लिए। अगर आप पूरी दुनिया को भी कमा लेते और प्राण का नुकसान हो तो क्या फायदा है। इसलिए जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था वो परमेश्वर का वचन में आपको ये बता रहा हूं कि आप रेड के पेड़ के लिए दुखी ना हो, दुखी ना हो। छोटी छोटी बातों के लिए, हाय मेरा तो ये हो गया, मैं तो वहां जाना था, मैंने तो विदेश जाना था, मैंने तो ये काम करने वाला था, मेरा तो ये हो चला था, मेरा तो रिश्ता पक्का हो रहा था, मेरी तो जॉब लगने वाली थी, मुझे तो उन्होंने बुला लिया था, मुझे तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था, मैं तो नया बिजनेस शुरू करने वाला था, मेरे तो लोन की फाइल जो थी वो पास हो गई थी, मेरी तो इंटरव्यू होने वाली थी और मेरी सिलेक्शन होने वाली थी, मेरी नौकरी लगने वाली थी और बस मेरी शादी रखी हुई थी, इतनी तरीक को तो मेरी शादी भी हो जानी थी। बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन आप अजूब की तरह कहें परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा ना करें, अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करें। हो सकता आपके अपने जैसे उसकी पत्नी कह रही थी ऐसे हालात हो गए हैं, परमेश्वर की निंदा करो, ये सब कुछ बिगड़ गया है, परमेश्वर की निंदा करो, या योना की तरह आपके मन में भी आए वो कितनी अच्छी शाय थी, वो बहुत आनंदित था, उस रेड़ के पेड़ को लेकर बहुत आनंदित था, बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, आनंदित था। वहां लिखा क्या हो, कितनी अच्छी छाया है, कितना अच्छी छाया है, परमेश्वर का धन्यवाद, कितनी अच्छी छाया है, परमेश्वर का धन्यवाद, कितनी आनंद आ रहा है। पहले तो मैं धूप में था, छाया दे दी परमेश्वर ने, धन्यवाद। और जब अगले ही दिन वो हट गया छाया, अगले ही दिन जब परमेश्वर ने उस पेड़ को सुखा दिया तो वही योना जो पहले कह रहा था परमेश्वर धन्यवाद, कितनी छाया कर दी, बहुत आनंदित हूं मैं, आनंदित हूं मैं, आनंदित हूं मैं, आनंदित हूं,
वो ही कहने लग गया, मैं मरी जाऊं, मैं मरी जाऊं, मैं मरी जाऊं, इससे अच्छा मैं मरी जाऊं। एकदम बदल गया। आप समझे इस बात को। उसने कुछ नहीं किया, उसने पेड़ ना तो पेड़ लगाया, ना उसको पानी दिया, ना उसे बढ़ाया। परमेश्वर ने लगाया, परमेश्वर ने बढ़ाया। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, कोई बात नहीं। अगर 3.5 महीने इंडिया में जैसे रहे हालात, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, जो भी हानि हुई हुई, कोई बात नहीं। उसको अपने दिमाग में ना रखें और परमेश्वर की निंदा अपने मुंह से ना करें। एक झल्ली स्त्री की तरह, जहां एक मूड व्यक्ति की तरह परमेश्वर की अपने मुंह से निंदा ना करें। अगर मैं आपको आज दावे से कहता हूं, अगर आप परमेश्वर की निंदा नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, अगर आप कहेंगे परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, हाँ आपको बिल भरने में कठिनाई आई होगी, शायद फीस भरने में कठिनाई होगी, शायद राशन पाने की कठिनाई हो सकती है, शायद कुछ भी कपड़ा खरीदना, और जो आप जमीन खरीदना या कुछ भी आप खरीदना चाह रहे थे, सोना खरीदना, गहना खरीदना चाह रहे थे, हो सकता कठिनाइयां ये हों, लेकिन परमेश्वर की, अगर आपने आज धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जी आपने दिया था, आपने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप उसके नाम को धन्य कहते हैं, तो अय्यूब की तरह मैं आपसे कहता हूं, जितना आपके पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर आपको दे देंगे। हालेलुया। जितना आपके पास पहले था उससे भी दुगना दे देंगे। मैं कहता हूं कि उससे हजारों गुना ज्यादा दे देंगे। हालेलुया। अय्यूब को दुगना दिया, लेकिन अब आज जो जमाना है, आज का जो माहौल है, वो दुगना ही नहीं बल्कि हजारों हजारों गुना वाला है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में लिखा था कि परमेश्वर तुझे हजार गुना बढ़ाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको दुगना चौगुना दे देंगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको फिर ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, फिर सब कुछ हरा भरा कर देंगे। एक रेड़ के पेड़ के लिए आप चिंतित ना हो। परमेश्वर आपके धन पर आशीष देंगे, परमेश्वर आपको नौकरी पर आशीष देंगे, आपको जॉब पर आशीष देंगे, आपके बिजनेस पर आशीष देंगे, आपकी शादी में, आपके परिवार में, सब बातों में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपके हरेक बीमारी को दूर करेंगे, आपके हरेक दुख को दूर करेंगे, आपके हरेक पीड़ा को दूर करेंगे, आपका हरेक आंसू प्रभु यीशु मसीह पहुंच देंगे। हालेलुया। जो कुछ भी आपसे पहले था उससे दुगना ही नहीं बल्कि हजारों गुना परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बस आप एक बात याद रखें कि रेड़ के पेड़ के लिए दुखी ना हो, जैसे योना ने कहा था, ओ इससे अच्छा मैं मरी जाऊं, इससे अच्छा मैं मरी जाऊं, ये क्यों सूख गया है। आज कई लोगों के मन में ऐसे है, मुझे जो कई लोग जो व्हाट्सएप पर फोन करते हैं, जब मैसेज करते हैं कि हमारा ये हाल हो गया, हमारा ये हाल हो गया, और हम ये सोचते हैं कि छत सब मरी जाए। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूं, जब प्रार्थना कर रही हूं कि मेरी जान निकल जाए। ऐसे लोग भी हैं जो रेड़ के पेड़ के कारण दुखी हैं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने इतने साल हमें दिए, अगर 3.5 महीने जा जितने दिन काम बंद रहा कोई बात नहीं। परमेश्वर का स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो समय अब आ गया है जब परमेश्वर आपको दुगना ही नहीं बल्कि हजारों गुना देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया, और जितना उसके पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर उसे दे दिया, और आपकी अब बारी है कि आपको हजारों गुना परमेश्वर बढ़ाए। हालेलुया। आपको हजारों गुना परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। रिबा रसा खा बनो सुखो बोरलाबा। बस याद रखें, रेड़ के पेड़ कारण आप परमेश्वर की निंदा ना करें। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, परमेश्वर आपके साथ रहें। सो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए, आपके बिजनेस पे बढ़ोतरी हो, अगर आपका वीजा रुका हुआ तो वीजा लगे, आपको नौकरी मिले, जॉब मिले, और शादी में कोई रुकावट है वो दूर हो, कोई बीमारियां हैं वो नष्ट हो, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे। लेकिन उससे पहले अगर आप परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए आप अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। परमेश्वर की भेंट के संबंधित, और उसके बाद हम लोग
आपके लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग समाप्त करेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय। यहां पर हम लोग जब देखते हैं एलिया के समय में, जो एलिया परमेश्वर का दास था, विश्वक्ता था, उस समय एक बड़ा अकाल पड़ा। उस अकाल में, उस महामारी में लोग मरने लगे। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग पशुओं को खा चुके थे, सब कुछ लोगों के पास खत्म होने लगा। तब वहां एक सारपत नाम का एक गांव था और वहां एक औरत थी, विधवा रहती थी एक औरत, और उसका बेटा, दोनों ही अपने घर पे रहते थे। उस महामारी में, उस महाकाल में, जब जहां अकाल पड़ा हुआ था, एलिया परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ उसके पास पहुंचता है और वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही होती है और उससे कहता है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। 10 वचन में लिखा है। वो जब पानी लेने के लिए जाती है, पहले तो कई बार सोचती है भी अकाल पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी महामारी है, पानी की तो कमी है, खाने की तो कमी है, अगर इसे दे दूंगी मैं पानी तो मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे। फिर भी उसने परमेश्वर का भय मानते हुए पानी लाने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे वो थोड़ा जाने लगी, पीछे से कहता है, एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। और वहीं से वापस आ गई, कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, एक भी रोटी नहीं है। याद रखें, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। क्या कह रही है कि मैं एक दो लकड़ियां इकट्ठी करके जा रही हूं, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके घर नहीं लेकर जा रही, एक दो इकट्ठी करके लकड़ियां लेकर जा रही हूं, ताकि एक लप एक मुट्ठी आटा है, इससे मैं रोटी बनाऊं, मैं और मेरा बेटा खाएं और फिर मर जाएं कुछ दिन के बाद ही। जैसे और तो खाने के लिए कुछ है नहीं है और जैसे आसपास के लोग मर रहे थे वैसे वो भी मर जाते, लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा, नहीं मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी, एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तब परमेश्वर का दास कहता है, ऐसा कर, ठीक है, एक मुट्ठी एक लप आटा है तेरे पास, मैदा है, तो इससे क्या कर तू, रोटी तो बना, छोटी सी रोटी बना ले, लेकिन पहले मुझे ला कर दे, फिर तू और तेरा बेटा खाना। और वो कह रही है, हमारे घर में तो इतना को है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर तो अकाल पड़ा हुआ, फिर तो मर ही जाएंगे। यहां दूसरी दुनिया मर रही है, वहां हम भी मरेंगे, दूसरी महामारी में पड़े हुए हैं, हम भी तो महामारी में पड़ेंगे, ऐसा वो सोच रही है। लेकिन उसने मन में परमेश्वर पे विश्वास किया, वो गई और रोटी बनाई और परमेश्वर के दास को उसने अर्पण की, लाकर दी। फिर गई, उसने अंदर हाथ डाला और उसकी मट्टी में, फिर उसने आटा निकला, खुद भी खाया, बेटे को खिलाया, शाम को फिर बनाया खाना, फिर हाथ डाला, फिर आटा निकला, फिर हाथ डाला, फिर आटा निकला, फिर हाथ डाला, फिर आटा निकला, एकदम मट्टी भर नहीं गई थी, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। हालेलुया। जितने साल तक, अभी तो लॉकडाउन 3.5 महीने का ही था, यहां पर अकाल तो 3.5 साल का था, 3.5 साल टोटल, 3.5 साल शुरू से आकर तक। हालेलुया। लोग मर रहे थे, लेकिन ये विधवा, उसका बेटा और जो एलिया था, ये तीन लोग उसमें से खा रहे थे। हालेलुया। वे खा रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद, हालेलुया, जय जयकार यीशु की। लेकिन दूसरे घरों में
रोना था, चीखना और चिल्लाना था। महामारी के कारण सब बुरा हाल था। उस अकाल में लोग मर रहे थे, लेकिन इस घर में मौत नहीं थी। ये तो मान चुके थे भी मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, हमारे घर में तो थोड़ा सा आटा है। और अब एक और आ गया मांगने के लिए, और आ गया रोटी मांगने के लिए। लेकिन जब उसने परमेश्वर को पहल दी, परमेश्वर ने उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं रहने दी। हालेलुया। तो आप लोग भी जब ये संकट है, बेशक है, ये कमी और घटी का समय है, बिल्कुल है, हो सकता है इस समय एक लटप मुट्ठी ही आटा हो सकता हो, हो सकता सोच रहे हो भी ये आटा खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करें, हो सकता है। लेकिन जैसे यहां हालात थे, अगर वैसे हालात भी हैं, तो आप जब परमेश्वर को पहल देते हैं, परमेश्वर आपके किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहने देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको हरा भरा रखेंगे, आपके खाने पीने की वस्तुओं पर, आपके पैसे पर आशीष होगी, आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ऐसा कहूं तो खत्म नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। आपका खाना पीना पहनना सब कुछ बढ़ता रहेगा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। वहां बहुत से अमीर लोग भी होंगे, लेकिन परमेश्वर ने इसी के पास भेजा कि वहां जा, यही है जो तुझे एक टुकड़ा रोटी, एक रोटी तुझे दे सकते हैं खाने के लिए। अमीर लोग नहीं, वो तो पहले मना कर देते हैं, हमारे पास तो 6 महीने के लिए है, अकाल पतन कितने साल रहे, 6 महीने बाद तो हम मर जाएंगे। ये तो कहती है बस एक रोटी बननी है और एक दो चार दिन के बाद, तो फिर हम 15 दिन के बाद तो मर ही जाएंगे। हालेलुया। पहल परमेश्वर को दी, परमेश्वर ने इनके लिए आशीष की। और वो लोग, मैं सोचता हूँ शायद जो अमीर लोग थे, जिनके पास भरा हुआ था सब कुछ, वो खत्म हो गया, इनके पास जो खाली था वो भर गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के लिए अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। मैं एक प्रार्थना करता हूं आपके लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी, और ये बलिदान हम आपको अर्पण करते हैं मेरे प्रभु जी। इन दशमांशों को आप ग्रहण करें, इन सवाशी बलिदानों को आप ग्रहण करें, ये बलिदान हम आपको ही भेंट, हम आपको ही अर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप इसे ग्रहण करें और स्वर्ग से इन्हें आशीष दें मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। जितने लोग इस समय अपने हृदय को खोलते हैं, आप इनके लिए स्वर को खोलिए, आप इनके लिए स्वर को खोल दीजिए, स्वर खोल कर इन्हें आशीष दें। इस महामारी में, इस पीड़ा के समय में, एक दुख के समय में जो लोग अपने हृदय को खोलते हैं, आप इनके लिए स्वर को खोल दीजिए। जैसे इस विधवा का आटा खत्म नहीं हुआ, वैसे ही जो लोग अपना धन आपको अर्पण करते हैं, उनका धन कभी खत्म ना हो, वो आशीष हो जाए। जैसे इनकी मिट्टी में, इनके पीपे में यहां इन्होंने आटा रखा था, स्वर्ग से वो आटा आता रहा, स्वर्ग से मैदा आता रहा और वो भरता रहा, स्वर्ग से तेल आता रहा और तेल की कुप्पी भरती रही। वैसे ही मेरे परमेश्वर जो इस समय आपको भेंट अर्पण करते हैं, स्वर्ग से इनका अकाउंट भरता रहे, स्वर्ग से इनके खाने पीने की वस्तुओं पर आशीष आती रहे, इनका सब कुछ फुल भर जाए, इनका सब कुछ भर जाए, इनका बैंक बैलेंस भर जाए, इनके रसोई का सब कुछ खाना पीना भर जाए, इनके कपड़े का अलमारियां भर जाए,
सब कुछ जो कुछ इन्हें चाहिए वो सब कुछ ब्लेसड हो जाए, धन्य हो जाए, आशीषित हो जाए। स्वर्ग से इनकी कमी घटियों को मेरे परमेश्वर पिता पूरा कीजिए। ये मेरी प्रार्थना है स्वर्ग पिता पर, विश्व मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं। सब लोग कहें आमीन, आमीन। स्वयं अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बचाएं, आपकी रक्षा करें, आपके साथ रहें। थैंक यू जीसस। स्वयं अब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जीवित परमेश्वर पिता पर विश्व मसीह जी, आपके पवित्र वचन में हम लोगों ने सीखा कि हम रेड़ के पेड़ के लिए दुखी ना हो, जिसको आपने बढ़ाया था और आपने ही सुखा दिया। मेरे परमेश्वर जी, अजूब की तरह हम भी कहने वाला हूं, आपने दिया था, आपने लिया, आपका नाम धन्य हो। और अपने मुंह से हम कोई भी पाप ना करें निंदा करके आपकी। मेरे परमेश्वर पिता, आज इन लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, आज जिन्होंने आपके पवित्र वचन को सुना है, मेरे परमेश्वर जी आपकी स्वर्गीय आशें इनके जीवन में आ जाए, आपकी स्वर्गीय आशें इनके जीवन में आ जाए। होरी बाला बाना साखा बरु सो बोरी भी शिखा रा साखा बरुरो बनामा। हमारी प्रार्थना प्रभु जी इनके धन पर आशीष दें मेरे परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना प्रभु जी इन्हें छुए और इन्हें चंगाई दें मेरे परमेश्वर जी। पांव से लेकर सिर तक की हर एक बीमारी पर यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इन शरीरों को छोड़ और निकल। हर प्रकार की दर्द पर यीशु के नाम से निकल जा। हर प्रकार की पथरी पर यीशु के नाम से निकल जा। हर प्रकार की गांठें, रसौलियां, ट्यूमर पर यीशु के नाम से निकले। पर यीशु मसीह जी ने चंगा करें। टीबी की बीमारी से पर यीशु मसीह जी ने चंगा करें। कैंसर की बीमारी से पर यीशु मसीह जी ने चंगा करें। एचआईवी की बीमारी से पर यीशु मसीह जी ने चंगा करें। बीपी का बढ़ना घटना नॉर्मल हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से। चमड़ी के रोग दूर हो पर यीशु मसीह के नाम से। होरी बेरी सिखला सबरो बोर सखा बना। शुगर की बीमारी पर यीशु के नाम से दूर हो। शुगर नॉर्मल रहे पर यीशु के नाम से। पर यीशु के नाम से खून की कमी जो है वो पूरी हो जाए पर यीशु के नाम से। पर यीशु के नाम से आंखें चंगी हो जाएं। आंखों की बीमारियां पर यीशु मसीह के नाम से निकलें। कानों की बीमारियां पर यीशु के नाम से निकलें। दिमाग की बीमारियां पर यीशु के नाम से निकलें। पेट की बीमारियां पर यीशु के नाम से निकलें। रिपर रसा खबर नसबो। इनका लीवर पर यीशु के नाम से ठीक हो जाए। इनके हृदय के रोग पर यीशु के नाम सीखो। दिल में कोई भी छेद है पर यीशु के नाम से ठीक हो। कोई भी हृदय की ब्लॉकेज है, नाड़ियां पर यीशु के नाम से वो ठीक हो। पर यीशु के नाम से गुप्त बीमारियां निकले। जिनने संतान ही उन्हें संतान हो पर यीशु मसीह के नाम से। होरी बरसा बरस बोनी से बेरी सिखा लबनमा। सारा जोड़ों का दर्द खत्म हो जाए पर यीशु के नाम से। किडनी गुर्दों की बीमारियां दूर हो पर यीशु के नाम से। पर यीशु के नाम से गुर्दे ठीक हो जाएं। होरी बरसा भनासा। सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से। सारा बुखार पर यीशु मसीह के नाम से निकले। सारी खांसी पर यीशु के नाम से दूर हो। सांस लेने में जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाए पर यीशु के नाम से। और सांस अच्छे से आने लगे पर यीशु के नाम से। और इस महामारी में, इस बीमारी को, महामारी को हम डांटते हैं पर यीशु के नाम से। इस महामारी का असर इन लोगों पर ना हो। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा और इनसे अपनी महामारी को दूर रख। इस महामारी को दूर कर मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। ये तेरे लोग हैं, ये आपके नाम के लोग हैं परमेश्वर जी। इनकी रक्षा करो इस महामारी से मेरे परमेश्वर पिता। इस महामारी का इनके शरीरों पर असर ना हो प्रभु जी। इस वायरस का इनके ऊपर असर ना हो प्रभु यीशु मसीह जी। रबर रसा खबर न सो बोरोसो। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जी। दया करें इन लोगों पर, अनुग्रह करो मेरे परमेश्वर जी। जो कुछ भी ये मांगते हैं पर यीशु मसीह जी आपके नाम से वो पूरा हो।
शादी में कोई भी रुकावटें हैं प्रभु यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर हों और इनकी शादी होने में मददगार प्रभु जी। जिन बच्चों के अभी रिश्ते नहीं हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके रिश्ते हो मेरे परमेश्वर, जैसे आपने आदम और हव्वा को जोड़ा था वैसे ही प्रभु जी आपने इनके लिए भी औरत को रखा है। ओरी बारा साखा बना सुबो बोरी सी भी सिखला बना मा, अच्छी जगह पर रिश्ते होने में मदद करो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और जिनकी फाइल एम्बेसी में पड़ी है, जिन्होंने फाइल लगाई हुई है वीजा लगने के लिए, मेरे परमेश्वर पिता ब्लेस कर उन्हें विजय से, आशीष कर मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। जो लोग मंजिल तय करना चाहते हैं और बरसा खरनामा उन्हें सफलता दे, पढ़ाई पर आशी दे। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें सफलता दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी। और इनके बिजनेस पर आशीष करें, इनके बिजनेस पर आशीष करें, इनके पशुओं पर आशीष करें, इनकी खेती पर आशीष करें प्रभु यीशु मसीह जी, इनके संतानों पर आशीष करें, इनके खानदान पर, परिवार पर आशीष करें, इनके घराने पर आशीष करें मेरे परमेश्वर पिता। दया कर प्रभु जी, इन लोगों के आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे प्रभु जी। इनकी चर्च पर आशीष हो, इनकी कलीसियाओं पर आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। री बारा सोखो बोनोमा, सारे रुके हुए काम बन जाए मेरे प्रभु यीशु के नाम से। और जिनकी जॉब गई है उन्हें जॉब मिले, नौकरियां गई हैं जो नौकरियां मिले प्रभु यीशु मसीह जी, सरकारी नौकरियां मिले, जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो मांगते हैं आपसे मदद कर मेरे परमेश्वर। ही बारा साखा बना सो बोरुबा, मदद कर मेरे परमेश्वर पिता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, आशीष दो। और जो लोग आपके प्यासे हैं मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें पवित्र आत्मा से भरें, 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 पवित्र आत्मा से भरें। रब रो सुख भरो सबल सुबुनी सिखा पवित्र आत्मा जी, इन्हें शूले पवित्र आत्मा जी, इन्हें शूले पवित्र आत्मा जी, इन्हें शूले पवित्र आत्मा जी, उन्हें शूले पवित्र आत्मा जी, इन्हें शूले पवित्र आत्मा जी, इन्हें शूले पवित्र आत्मा जी। ऋषि भी रे सखा लबा, इन्हें शूले पवित्र आत्मा जी। रो सुख बना सखा लबा, अपने सामर्थ से भरे, सामरस 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 सामरस। अन्य भाषा के वरदान दीजिए, अन्य भाषा के वरदान दीजिए, स्वर्गीय वरदानों से भरे, स्वर्गीय वरदानों से भरे, स्वर्गीय वरदानों से भरे। और बाला बारा सबरी से फिर सखा रबो, हमें आपकी जरूरत है मेरे परमेश्वर। ओ अपनी पवित्र आत्मा से भरे, जो पवित्र आत्मा को मांगते हैं उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पर भी यीशु जी आपने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज हम मांगते हैं, आज ये लोग मांगते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, 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 पवित्र आत्मा से भरे प्रभु यीशु मसीह जी। रो बो रो सुख बन सी बला सखा रबो नना ओरी बला सखा बनो सो बो रो सुख बना ओरी बेरे बेशिदा रस सखा बरो बनमो ओ लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। ओरी बिनी सिखी बिरी बिशिदा लबा ओरे बला लबा बरो सुख बनो सुख रनमो, अपने सामने से भरे प्रभु जी, अपने सामने से भरे प्रभु जी, अपने सामने से भरे मेरे प्रभु जी, अपने सामने से भरे। रो बो सिखी री बिशिदा रब्बा रो बना सखर नमा, सामर से भरे, 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 सामर स्वर्गीय सामर। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ को पाओगे, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तब तुम सामर्थ को पाएंगे। रस भर रस खरे बिना सखल सब, अन्य भाषा का वरदान दे प्रभु जी। रस सुख बन सखल बर रस सुख बो जो जमीन खरीदना चाहते हैं उन्हें जमीन लेने में मदद करें प्रभु जी, जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं गाड़ी लेने में मदद करें प्रभु जी, जो अपना घर बनाना चाहते हैं उन्हें घर बनाने में मदद करें मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। इनकी प्रार्थना को ग्रहण करें मेरे प्रभु। रो बोरो सुख बना साखा लिए बेरे रे बेशिखा रा साखा हम बोरो सुख बनी साखा लबाना नमा, सारा आदर में आपको देते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर लें। सब लोग कहें आमीन 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 हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें।